हेलो माय यूट्यूब फैमिली। यार कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और गाइस स्क्रीन में देख पा रहे हो, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फुल HD पेज स्मूथ। आप सबको पता है गाइस, हम फोटो तो अच्छी तरीके से एडिट कर लेते हैं, बट अगर हम पेज अच्छी तरीके से स्मूथ नहीं करेंगे और पेज को अच्छी तरीके से गोरा नहीं करेंगे तो हमारा फोटो बेकार सा हो जाएगा और हमारी मेहनत बेकार सी हो जाएगी। अगर दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप के आपको फुल वॉच कर लोगे ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ अपने पेज को आप इस तरह से वाइट करना और इस तरह से गोरा करना सीख जाएंगे। हाँ मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखिए कितना कमाल का स्मूथ कर रखा है, बहुत ही तगड़ा हमारा जो फोटो वो लग रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, अपने रियल फोटो को इस तरह करना होगा। ये देखते हो इस तरह, ये हमारा रियल फोटो है दोस्तों और इसको हमने इस तरह बनाया और इस तरह बनाने के बाद इसको कुछ इस तरह से बना दिया। तो यहाँ पर देखते हो मैं जूम करके दिखा दूँ तुमको, बहुत ही तगड़ा हमारा जो पेज है वो लग रहा है। यहाँ पर देखते हो यार, काफ़ी मस्त तरीके से फोटो को बना रखा है। तो गाइस अगर आपको ऐसा पेज स्मूथ करना नहीं आता है तो यार वीडियो को जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार है तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और जो पास में 1 घंटे ना उसको भी कर देना ऑल में, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कर लेते हैं यार वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपका जो रियल फोटो रहेगा ना उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया। फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे शेयर वाले आइकन में आपको क्लिक कर देना होगा। शेयर वाले आइकन में क्लिक करने के बाद फोटो को आपको शेयर करना होगा यहाँ से स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आप भी अपने फोटो को शेयर कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो स्नैपचैट, इसके अंदर मैं फोटो को कर लेता हूँ शेयर। हमारा फोटो आ चुका है स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जाना होगा टूल्स वाले आइकन में, ठीक है। टूल्स वाले आइकन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने ट्यून म्यूजिक, इसमें आपको क्लिक कर लेना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद अगर आपका फोटो ब्लैक है तो ब्राइटनेस को थोड़ा इजी बढ़ा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेता हूँ 8+, ठीक है। और कंट्रास्ट को भी यहाँ से मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रास्ट को 50 कर लेता हूँ। और इसके नीचे से एक्चुअल तो इसको मैं इतना बढ़ा लेता हूँ 40+, ठीक है। और जो इसके नीचे वाला है ना इसको आपको बढ़ा लेना होगा, इसको आपको बढ़ा लेना है 90+ कर देना होगा, ठीक है। और हाई लाइट को माइनस कर लेना होगा यहाँ से, ठीक है, -36। और शेडोज को प्लस कर लेना होगा यहाँ से, ठीक है, हल्का सा प्लस कर लेना होगा +6, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। राइट में क्लिक करने के बाद गैस आपको फिर से टूल्स में जाना होगा। टूल्स में जाने के बाद गैस आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्यून म्यूजिक में क्लिक कर देना होगा। और इसमें क्लिक करने के बाद आपको शेडोज में आना होगा और इसको माइनस कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखना इसको माइनस रखना है यहाँ से, ठीक है। और ऊपर आ जाना होगा, ठीक है। सर्च टूल के नीचे वाला ऑप्शन को आपको ऐसे बढ़ा लेना होगा, इसको बढ़ा लेना है यहाँ से दोस्तों 53, इसको 73+ कर देना होगा, ठीक है, 73+। और फाइनली यहाँ से क्या करना पड़ेगा, राइट में क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर हमारा फोटो कुछ ही टाइप से हो जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख दो थोड़ा थोड़ा ब्लैक रह गया, ठीक है। तो फिर से हम टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद आपको सेलेक्टिव में क्लिक कर देना होगा और इसमें क्लिक करने के बाद ऐसे सेलेक्ट कर लेना होगा, इसको ऐसे छोटा कर लेना होगा, ठीक है। छोटा करने के बाद इसको ऐसे बढ़ा लेना होगा ब्राइटनेस को, ठीक है। और यहाँ पर सेल चूल को ऐसे, ठीक है, और इसको यहाँ से कुछ नहीं करना होगा और नीचे आ जाना और इसको भी ऐसे कर लेना होगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कर देना फाइनली राइट में क्लिक। अब देखते हो बिफोर एंड आफ्टर। अब इस फोटो को आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर शेयर आइकन में क्लिक करके फोटो को सीधा आपको शेयर करना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम फटाफट से ले चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है गैस, हमारा फोटो चल चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो फर्स्ट में आ गया हमारा फोटो, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके इधर आ जाना होगा। आने के बाद आपको जाना है कलर में, ठीक है। कलर में जाने के बाद आपको मिक्स में क्लिक कर देना होगा और मिक्स में क्लिक करने के बाद गैस आपको ऑरेंज कलर में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाली लाइन में क्लिक कर लेना होगा और इसको ऐसे आपको बढ़ा लेना होगा, इसको प्लस करना देखना, ठीक है। तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ +90 रखने के बाद गाइस जो बीच वाली है ना इसमें क्लिक करके और इसको माइनस कर लेना होगा यहाँ से। देखते हो यार कितना अच्छी तरीके से इफेक्ट आ गया। तो माइनस इसको रख लेना आपको 55, ठीक है। -55 हो जाने के बाद जो ऊपर वाली है ना गाइस इसको यहाँ से हल्का सा प्लस कर लेना होगा +5 रखने के बाद आपको फर्स्ट वाले कलर में क्लिक कर देना होगा और इसमें क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाली लाइन में क्लिक करके इसको यहाँ से प्लस कर लेना होगा हल्का सा। देखते हो इसको प्लस रख लेना 52 और यहाँ से आपको डन में क्लिक कर देना होगा। डन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना बैक। बैक आने के बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा यहाँ से। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, इस फोटो को ऊपर आपको शेयर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा
और शेयर वाले आइकन में क्लिक करने के बाद आपको शेयर टू में क्लिक करके फोटो को आपको शेयर करना होगा स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम ले चलते फटाफट से। ओके, तो सो गाइस हमारा फोटो आ चुका है स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद हम करेंगे पेज को स्मूथ, ठीक है। तो पेज स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। पहले यहाँ पे जाने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे ऊपर, लाइब्रेरी सेटिंग, तो आपको लाइब्रेरी में क्लिक कर देना होगा। पहले इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ब्रश आ जाएंगे, तो नीचे स्क्रॉल करना और नीचे स्क्रॉल करना गाइस, और बीच में आपको कुछ ही टाइप के ब्रश देखने मिलेंगे। तो इनमें से आपको 7 नंबर वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ से गिन लेना। 7 नंबर वाला ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर लेना ऊपर, और सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 लाइन आएगी यहाँ पे, तो बीच वाली लाइन को रख लेना 2 और इसके नीचे वाले इसको 8, और जो ऊपर वाली ना इसको आपको कम ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले को मैं रख लेता हूँ यहाँ से 40.1 और मैं नीचे कट कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको कम ज़्यादा इसको करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कट कर लेता हूँ, ओके। तो कट करने के बाद गैस जूम कर लेना होगा ऐसे, और अपने पेस में इस प्रकार से आपको ब्रश चला लेना होगा। तो यहाँ पे देख ही सकते हो काफ़ी तगड़ा रिजल्ट आ रहा है। तो इस टाइप से पूरे पेज को आप अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेना होगा। देख ही सकते हो गैस, मैं जैसे जैसे ब्रश को चला रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत तगड़ा स्मूथ होना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ऊपर जाना होगा, सेटिंग ऐसे बढ़ा लेना होगा, और अपने पेज में ब्रश को आपको ऐसे अप्लाई कर लेना होगा। यहाँ पर देख ही सकते हो गैस, तो इस टाइप से आपको धीरे धीरे से पूरे पेज को स्मूथ कर लेना होगा। देख ही सकते हो ऐसे ऐसे ब्रश को आपको चला लेना होगा अच्छी तरीके से, और आपको जहाँ जहाँ स्मूथ करना है वहाँ वहाँ आप ब्रश को गोल गोल घुमाना, ताकि हमारे पेज के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा दाग नहीं आए, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से पेज को स्मूथ कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो फोटो ना वो एक नंबर लगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप पूरे पेज को स्मूथ कर लेना होगा, स्मूथ ऐसे ऐसे देख ही सकते हो गाइस। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। तो सो गाइस मैं आपको बिल्कुल रियल तरीका बता रहा हूँ पेज स्मूथ करने का यार, तो फटाफट से कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस देख ही सकते हो हमारा पेज कितना मस्त तरीके से यार बन चुका है स्मूथ होने के बाद, देख ही पा रहे हो पेज बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस टाइप से आपको अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेना होगा। तो यहाँ पे गाइस स्मूथ हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो को 3 डॉट में क्लिक कर देना होगा, ऊपर 3 डॉट में क्लिक करने के बाद शेयर वाले आइकन में क्लिक करके और इस नीचे वाले आइकन में क्लिक करके फोटो को एक बार और शेयर करना होगा आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। गाइस इतना अच्छा हमारा फोटो नहीं हुआ अभी, ठीक है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है वैसा फोटो अभी एडिटिंग नहीं हुआ। तो फिर से हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को ले चलते हैं और यहाँ पर फिर से हमारे फोटो को बेहतरीन बनाते हैं। तो आ गया हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, स्क्रॉल करके फिर से आ जाना इधर और जाना है आपको कलर में। कलर में जाने के बाद आपको मिक्स में क्लिक कर देना होगा, और मिक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ से कर देना ऑरेंज कलर में क्लिक, ठीक है। ऑरेंज कलर में क्लिक करने के बाद नीचे वाली लाइन में क्लिक करके इसको प्लस कर लेना होगा, यहाँ से देख सकते हो प्लस 30, ठीक है। और बीच वाले में क्लिक करके इसको यहाँ से माइनस कर लेना होगा, -45, और जो ऊपर वाली है ना अगर आपको फेस में रेड टोन देना है ना तो इसको माइनस कर लेना होगा, और आपको येलो टोन देना है तो इसको प्लस कर लेना होगा। तो मैं प्लस रख लेता हूँ 21, और प्लस 21 हो जाने के बाद आपको फर्स्ट वाले कलर में क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद बीच वाली लाइन में क्लिक करके इसको यहाँ से प्लस कर लेना होगा, देख सकते हो प्लस किया तो हमारे फोटो में चमक आ गया। तो इसको मैं प्लस 26 कर लेता हूँ, और जो ऊपर वाली ने इसको मैं यहाँ से माइनस कर लेता हूँ, -27 कर लेना होगा। और -27 हो जाने के बाद आपको इस वाले कलर में क्लिक कर देना होगा, ग्रीन कलर में। इसमें क्लिक करने के बाद ऊपर वाली लाइन है इसको यहाँ से प्लस माइनस कर लेना होगा। अगर आपको येलो कलर करना है बैकग्राउंड के पीछे तो यहाँ पे येलो कलर हो गया, देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको शो कर देता हूँ, और बीच वाली में क्लिक करके इसको यहाँ से मैं प्लस कर लेता हूँ हल्का सा प्लस के। इतना हो जाने के बाद आपको ऐसे येलो कलर में क्लिक कर देना होगा, और इसमें क्लिक करने के बाद गैस आपको जो ऊपर वाली लाइन है इसको यहाँ से आपको रख लेना होगा इधर 16 प्लस। इतना हो जाने के बाद हम आ जाएंगे इसे बैक आने के बाद देखते हो बिफोर एंड आफ्टर। इतना हो जाने के बाद आपको डन में क्लिक कर देना होगा, और आपको इफेक्ट में आ जाना होगा, और बीच में क्लैरिटी में क्लिक करके उसको यहाँ से बढ़ा लेना होगा, आपको 26 कर देना होगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको डिटेल्स में जाना होगा, और फर्स्ट में शार्पिंग को यहाँ से गाइस 31 कर देना होगा, और नीचे आ जाना होगा, और मार्किंग में क्लिक करके इसको यहाँ से 35 कर लेना होगा, और निवास में क्लिक करके इसको यहाँ से 50 का लेना होगा गाइस। ओके, तो गाइस इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखते हो बिफोर एंड आफ्टर। अभी गाइस हमारे जो फेस है ना वो ऑयल पेंट नहीं हुआ, और हमारे हेयर भी ऑयल पेंट नहीं हुआ,
तो गाइस इसको शेयर आइकन में क्लिक कर लेना होगा और शेयर टू में क्लिक करके इसको शेयर करना होगा आपको टूल व्यू जेप्स के अंदर, ठीक है। ओके सो गाइस हमारा फोटो आ चुका है टूल व्यू जेप्स के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद आपको नीचे बहुत सारे देखने के मिलेंगे, तो यहाँ पर टूल्स, ट्रेंडिंग, फिल्टर, पोर्ट्रेट और आपको इफेक्ट, तो इफेक्ट में आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सॉफ्ट लाइट में क्लिक कर देना होगा। ओके सॉफ्ट लाइट में क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर नीचे फिल्टर देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर अप्लाई कर लेना यहाँ से एक, यहाँ से देख सकते हो हमारे बालों में जैसे इफेक्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से गाइस ये इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसा अच्छा लगे इफेक्ट वैसा रख लेना हमारे बालों के ऊपर, देख सकते हो ये अच्छा लग रहा है गाइस। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मार्क्स में क्लिक कर लेता हूँ और मार्क्स में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इरेज ब्रश सेलेक्ट कर लेना होगा और जूम कर लेना, और जो अभी अपने आँखों के ऊपर जो इफेक्ट आया ना इसको ऐसे रिमूव कर लेना होगा, देख सकते हो। और बालों में रहना, बालों में तो आपको रखना है गाइस और फेस में भी रखना है, और अपने होठों को भी थोड़ा बहुत हटा लेना होगा। और देख सकते हो यहाँ से कितना कमाल का हमारा फोटो हो गया। और फाइनली कर देना यहाँ से राइट में क्लिक, तो सो गाइस राइट में क्लिक करने के बाद इस फोटो को सेव करने के लिए आपको ऊपर सेव वाला आइकन में क्लिक करोगे ना तो गैलरी में हो जाएगा फोटो सेव। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी कमाल की वीडियो को देखने के लिए यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।